प्रदेश के सीतापुर पुलिस ने दो आपराधिक वारदातों का पर्दाफाश किया है। साथ ही उसने तमंचा और कारतूस के साथ चार अंतर जनपदीय अपराधियों को भी गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से पुलिस ने एक स्वराज ट्रैक्टर, दो पहिया ट्रॉली, दो बाइक, हजारों की नकदी, जेवरात तथा 55 ग्राम मार्फीन घटना में प्रयुक्त कार भी बरामद की। पकड़े गए सात ही अपराधियों ने सीतापुर और लखीमपुर खीरी में घटित घटनाओं में संलिप्तता भी स्वीकार की। साथ ही इनके खिलाफ सीतापुर के पिसावा, शहर कोतवाली, रामपुर कला तथा लखीमपुर खीरी के फूल विहट फरथान थाना क्षेत्र में कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह के निर्देश में एएसपी दक्षिणी के पर्यवेक्षण व सीओ मिश्रिक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पिसावा थाना इलाके के ढफरापुर के समीप दबिश दी। इस दौरान वहां से पुलिस ने चार संदिग्ध लोगों को दबोचा। पूछताछ में पकड़े गए लोगों ने अपने नाम बताए। इनमें श्यामजी पुत्र राम नरेश व अजीत त्रिपाठी उर्फ प्रमीत पुत्र श्रवण कुमार तथा अभिजीत त्रिपाठी उर्फ सांजल पुत्र श्रवण कुमार निवासी सिकटीहा हरगांव, शुभांकन मिश्रा पुत्र कृष्ण कुमार निवासी महेवागढ़ी थाना महेवागंज जिला खीरी शामिल हैं। पूछताछ में इन अभियुक्तों ने सीतापुर के पिसावा थाना इलाके, वजीर नगर और लखीमपुर खीरी के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई घटनाओं में संलिप्तता होना स्वीकारा। निशानदेही पर पुलिस ने इनके पास से एक स्वराज ट्रैक्टर, दो पहिया ट्राली, 4,210 रुपए जेवरात, दो बाइक तथा 55 ग्राम मार्फीन तथा घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार, चार तमंचा व कारतूस भी बरामद किए। आप भी सुनिए एएसपी दक्षिणी एनपी सिंह ने क्या बताया। जैसा आपको मालूम है कि दिनांक 7 जनवरी 2021 को रात में करीब 11 बजे एक घटना घटित हुई थाना पिसावा क्षेत्र के अंतर्गत। एक कृषक अपने ट्रैक्टर ट्राली से गन्ना सेंटर पे तोल के लिए गए थे, अपना तोलवा के अपने ट्रैक्टर ट्राली को लेके लौट रहे थे। चार व्यक्ति अपने स्विफ्ट डिजायर कार में मिले, उनको रोक के उन्होंने उनसे कहा कि आप मुझे तेल भरवा दो। इसी बहाने से ड्राइवर को उतार लिया उन लोगों ने, अपनी गाड़ी में बिठा लिए और उसको लेके चले गए वो लोग जनपद लखीमपुर खीरी में, और गोला के पास ड्राइवर को छोड़ दिए। उनके ट्राली लेकर के, ट्रैक्टर लेकर के वो लोग फरार हो गए होंगे। विधिवत जानकारी हुई तो यह पता लगा कि इसके 2 घंटे पहले थाना पसीगवा जनपद लखीमपुर खीरी में भी ऐसी घटना लोगों ने तारित किया था, और वहाँ पे उन लोगों ने ऐसे ट्रैक्टर को छीना था, लेकिन चूंकि उसमें तेल खत्म हो गया था, ट्रैक्टर को लोगों ने छोड़ के भाग गए थे, और जो चालक था उसकी काफ़ी पिटाई भी इन लोगों ने कर दिया था। हमारी शॉर्ट सर्विलांस की टीम ने एक बहुत गहराई से विश्लेषण इसमें की। एसपी महोदय ने हमारे थाना अध्यक्ष को, क्षेत्राधिकारी महोली को और शॉर्ट सर्विलांस की टीम को इस घटना के नवर के लगाया था। इसमें जानकारी ये हुई कि इसमें एक जनपद सीतापुर का ही एक गैंग है, जिसमें एक आदमी लखीमपुर खीरी का भी है, और ये सभी लोगों ने पहले भी काफ़ी घटनाएं कर रखी हैं। उस दिन ये लोग उसी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से आए थे, और वहाँ आने के पश्चात इन सब लोगों ने ये घटना कारित की थी। इनके सबकी गिरफ्तारी की गई। इसमें चार लोग मुख्य रूप से हैं, एक आदमी इसमें कंस्पिरेटर है। लाके थाने विधिवत से पूछताछ की गई। जानकारी ये हुई कि इस घटना के अलावा भी इन लोगों ने बहुत सारी घटनाएं नकदी लूट की कर रखी हैं, और करीब 5-6 घटनाएं और वर्कआउट हुई हैं। इनके पास से लूट और नकबजनी में जो सामान गए थे, उनमें से लगभग 4 तमंचे, कारतूस, 1,000 कार, लूटी हुई ट्रैक्टर ट्राली, चोरी की 2 मोटरसाइकिल, लगभग 4,200 रुपये बरामद हुए। एक सातर गैंग है ये, जो प्रकाश में अब तक नहीं आया था। ये लोग घटनाएं लगातार घूम के लखीमपुर खीरी और जनपद सीतापुर में कर रहे थे। हमें उम्मीद है कि इस घटना के अनावरण से, मुलजिमों के जेल जाने से, जो छोटी मोटी घटनाएं खीरी और सीतापुर में हो रही थी, उस पर अंकुश लगेगा। घटना का वर्कआउट करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक मनोज कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल वीर सिंह, कांस्टेबल धर्मेंद्र यादव, अंकित गुरजीत सिंह, क्राइम ब्रांच टीम में स्वाट टीम प्रभारी उप निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह, सर्विलांस प्रभारी अजय रावत, रवि वर्मा, उमेश मिश्रा, टीटू सोहन पाल, आनंद राहुल व अंकुर शामिल हैं।